हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श शुक्ला। आज मैं मेरा पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और दोस्तों, आज जो पीछे मंदिर देख रहे हैं एकदम पहाड़ के ऊपर, एकदम छोटा सा, मैं अभी जूम करके आपको दिखाऊंगा। आज मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ विजिट करने वाला हूँ कि पहले मैं देव स्थान से शुरू करूँ, ऐसी मेरी थिंकिंग है। अब देखते हैं बाकी ब्लॉग कैसा बनता है। मैं आपको इस ब्लॉग में सब बताऊँगा कि वहाँ पर पहुँचना आसान कैसे रहेगा और कितने टाइम में आप पहुँच जाओगे। और वो लगभग 1000 फीट से भी ऊपर है वो शिव मंदिर, तो मैं आज वहाँ पर जाने वाला हूँ। मैं आपको सब बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहे और नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। तो आप देखिए, ये एकदम ऊँचा, एकदम छोटा सा जो दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए छोटा सा भी वाइट कलर की जो मंदिर दिख रही है, ये मंदिर का गुंबज है। ये 1000 फीट ऊपर है और ये जाने का रास्ता दूसरी तरफ से है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर नहीं मिल रहा है, मैं ऊपर पहुँच के आपको पूरा क्लियर दिखाऊंगा। तो ये देखिए, यहाँ आज हम विजिट करने वाले हैं जो कि ये 1000 फीट ऊपर है। तो फिर चलिए स्टार्ट कर दे अपनी जर्नी। हे गाइस, ये हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं मेन गेट पर। अब यहीं से हमें एंट्रेंस है, ये यहाँ से हमें अब एंट्री करनी है आगे। और आपको सामने अभी मंदिर दिख जाएगी ऊपर पहाड़ पर। तो फिर चलो चलते हैं। सामने जो एकदम ये टॉप पर देख रहे हैं ना, यही है डिंडीगढ़ शिव मंदिर। यहाँ पर देखो बोर्ड लगा है। अब ये जो रास्ता है ये पूरा पहाड़ चढ़ाई है यहाँ से। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। फाइनली ये जो एरिया हम पहुंच गए पालीन एरिया पे, ये जो ये देख रहे हैं ना आप दूर दूर तक, ये पूरा मंदिर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए पार्किंग है। इसके आगे ही जस्ट हमें अब यहाँ से सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। तो गाड़ी यहाँ पार्क करके आगे चलते हैं। गाइस फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती। मैं आपको पीछे व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती और मैंने मेरी गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी है, आपको पीछे वीडियो में दिखाया। और ये जाने का रास्ता है, यहाँ से पातालेश्वर जाने का रास्ता है, जो कि अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं अगर वहाँ नीचे गया तो यहाँ ऊपर का मैं व्यू लेना, मतलब ऊपर काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम सिर्फ पातालेश्वर का व्लॉग बनाएंगे। पातालेश्वर यानी जितना यहाँ से ऊपर डिंडीगढ़ मंदिर है, उतना ही यहाँ से नीचे मंदिर है शिव जी की। एक और सांप वगैरह रहते हैं और मतलब इधर पे थोड़ा डर टाइप रहेगा कि मतलब यहाँ ना पूरा जंगल है। जिस तरह से यहाँ पे रोड बना हुआ है, थोड़ा कंक्रीट है, सीमेंट वाला, उस तरह से वहाँ पर नहीं है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये मौनी बाबा की समाधि है। मौनी बाबा यहाँ पर काफ़ी समय से रहे हैं। वो कुछ बोलते नहीं थे, इसके लिए उनका नाम मौनी बाबा नाम रख दिया गया। सीढ़ियों से हम कंटिन्यू करते हैं, ऐसी अब पूरी सीढ़ी है ऊपर। तो हम ऊपर पहुंच के अब आपसे बात करेंगे आगे। तो दोस्तों फाइनली 15-20 मिनट बाद हम अपनी फाइनल सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए इसके जस्ट सामने मंदिर है। बस ये पहुंच गया अब मैं डिंडीगढ़ महादेव मंदिर।
श्री डिंडेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट। अब फाइनली पहुंच गए डिंडीगढ़ महादेव मंदिर। यहाँ से आप एक व्यू देख लो, ये जो सीढ़ी देख रहे हैं आप, ये सीढ़ी ऊपर यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, मतलब मंदिर का जो गुंबद साइड है वहाँ पर जाने के लिए है। ऊपर से और बढ़िया व्यू आएगा, पहले हम दर्शन कर लेते हैं चल के, उसके बाद वहाँ भी जाएंगे। देखिए अब हम चल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ मिल जाएंगी और यहाँ पे सब मिलता है। यहाँ पर ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको कुछ भी चाहिए, पानी ठंडा गर्म पानी सब मिलता है। और यहाँ ये देखिए, यहाँ पे बिस्किट है, तेल वगैरह सब मिलेगा आपको यहाँ पे खाने पीने की चीज़। यहाँ पे देखो बैठने की बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से। कितना ठंडा यहाँ पर लग रहा है। डिंडीगढ़ महादेव, मैं यहाँ पे वो भी मंदिर में खड़ा हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हो गया, मैं बहुत सही टाइम पर पहुँचा हूँ। अभी जस्ट मंदिर की आरती होने वाली है, तो पंडित जी ने मुझे कहा है कि हाथ पैर धुल के आ जाओ आरती करने। चलो फिर आरती करते हैं हम। आरती करने के बाद मैं ऊपर जाकर आपको बाकी सब व्यू दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अभी हम यहाँ पे मंदिर के सीलिंग पे हैं, यानी एकदम टॉप पर हैं। यहाँ से आप देखिए एक सनसेट व्यू है। आज 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर यानी साल का सबसे छोटा दिन होता है, उस दिन का ये सनसेट। देखो सूरज ढल रहा है, व्यू मैंने कैप्चर किया है। और आपको कैसे आना है सब कुछ मैंने वीडियो में बता दिया है। जरा सा बचे हुए, मतलब लगभग पूरा ढल चुका है सूरज, अभी धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए अब वो भी नहीं शो हो रहा है शायद सब। देखिए अभी डूब गया सूरज। आपने देखा ये मेरा पहला ब्लॉग था जो मैंने डिंडीगढ़ से शुरू करने का फैसला किया। वैसे तो मैं डिंडीगढ़ काफ़ी बार आ चुका हूँ, बचपन में मतलब साल डेढ़ साल पहले की बात है। मैं कंटिन्यू रोज़ आया करते थे हम लोग सुबह रनिंग करने के तरीके से। हम लोग की ग्रुप थी, मैं और मेरा कज़िन और दो तीन लोग आया करते थे रोज़। हम लोग यहाँ पे रनिंग करते थे। यहाँ पे सुबह का टाइम तो और ही अच्छा टेम्परेचर भी रहता है यहाँ पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। सराउंडिंग यहाँ पे बहुत ठंडी रहती है। और मैंने आपको यहाँ पर आने का किस तरह से रास्ता था वो रास्ता भी बता दिया है वीडियो में, कि मतलब आप भिवंडी में टेम घर पाड़ा आइए, वहाँ से फिर आपको रिक्शा मिल जाएगी 15 रुपीज़ में, वो आपको स्टॉप छोड़ेगी। फिर वहाँ से 11 नंबर बस यानी पैदल चलकर आना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास आपकी खुद की गाड़ी है तो फिर आप खुद की गाड़ी से आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बता दिया है, सब कैसा सेट है। मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे। और अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ अभी के घर निकल जाऊँ, क्योंकि अंधेरा हो जाए रास्ता ठीक नहीं है, मतलब जंगल एरिया है इसलिए एक तरह से रास्ता ठीक नहीं है। फिर अब मैं घूम करके घर जाने वाला हूँ बस। तो
भी आप सीधा आप कमेंट में पूछ सकते हैं।